अभी 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया के बेल पेटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। परत दर परत खुलासा हो रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा जाता है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का ट्रेल स्थापित होता है, तो आप सोचिए, जब टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए, आप मतलब जनता डिसाइड करिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये वही अरविंद केजरीवाल बगल में फाइल दबा करके, ये रोज 4 बजे जब राजनीतिक पार्टी नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप ही लोग बैठे होते थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं सोनिया जी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा, मेरे पास ठोस सबूत हैं। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा, मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए मेरे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।